जिंदगी की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर हम पूरी दुनिया की संपत्ति से भी उसे खरीद नहीं सकते। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है लेकिन धोखा देने वालों को कभी भी सुकून नहीं मिलता। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वह आप पे हावी होती रहेंगी। कौन क्यों गया यह जरूरी नहीं है, क्या सिखाकर गया यह जरूरी है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसका पास होने की कीमत समझ में आती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी रूप में पहुँच ही जाती है। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं लेकिन मेहनत करने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या न हो लेकिन अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना क्योंकि जितना उम्मीद होता है घाव उतने ही गहरे होते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखें, दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुखी रहता है। मेहनत से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। जो अपने लक्ष्य में पूरी तरह खो गया समझो वही सफल हो गया। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें होती है। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, बस शर्त यही है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। किसी को कष्ट में देखकर अगर आपको भी दुख होता है तो समझ लीजिए भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलब इन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। जिसके पास उम्मीद और आस होती है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकानी पड़ती है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो और अधिक करने की जगह सही और सटीक करने में विश्वास रखो। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो भी कुछ मिलता है वह उसे ही अच्छा बना लेते हैं। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमें ही करनी चाहिए। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कोई आपका साथ न दे तो उदास मत होना क्योंकि परमात्मा से बढ़कर कोई सच्चा हमसफर नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो वह सच को नहीं दबा सकता। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी खतरनाक होता है क्योंकि वह व्यक्ति उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भले ही किसी की मदद करो या न करो लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखिए आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा।
बुरा इंसान कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर दो, वह आपके साथ एक दिन जरूर बुरा करेगा, क्योंकि वह उसकी फितरत है। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, वैसे इंसान की कदर समय भी नहीं करता, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं करता। जो आपका साथ देते हैं आप भी उनका साथ दीजिए, लेकिन आपको जो धोखा देते हैं उन्हें बस त्याग दीजिए। संगति का मनुष्य का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे संगति में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगति में रहना पसंद कीजिए। बात इतनी मधुर रखो कि वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी न लगे। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। लगातार हो रही असफलताओं से कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीतता वही है जो डरता नहीं है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखती। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या न बदले, परंतु आदमी का चरित्र जरूर बदल जाता है। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता आप दे रहे हैं या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। उन लोगों के सामने हमें हमेशा खुश रहना चाहिए जो हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी ही उनके दर्दों की दवा है। एक सवाल जो हमें हर रोज अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं वह जरूरी काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। और जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि हम सबसे जरूरी समस्या पर समय बिता रहे हैं, तब तक हमें संतोष नहीं करनी चाहिए। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सबकी जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर सेंट की फैक्ट्री में जाओगे तो महकते हुए ही बाहर लौटोगे। इसीलिए संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्म में विश्वास रखो, आपकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो बस वक्त के साथ चलने की। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उसे अच्छा वक्त दीजिए, क्योंकि आप हर चीज वापस ला सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ला सकते। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसे डंक मारते हैं। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। दोस्तों, झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देगा, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। संसार जरूरत के नियम से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ दूसरों की बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। लोग अक्सर कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियाँ, असल में कोई खुश नहीं होता। अकेले खड़ा रहने का ताकत रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है परंतु साथ कभी नहीं देती। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप रहते हैं। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने और सुनने के आदि हो चुके हैं। यह जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखलाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। अपनों से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। बुद्धि सबके पास होती है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है।
लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जोड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क बन जाए। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है, लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनने लगते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल आदमी को सफल बनाता है। समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको आपके नियत से जानता है। ठोकर लगने का यह मतलब नहीं है कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप संभल जाएं और संभल कर आगे बढ़ें। जीवन में अपने कर्म करने में इतने व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर जैसी चीज़ों के लिए समय ही न बचे। नाराज न होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते आ रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। अनुभव कहता है किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा करने लायक नहीं छोड़ेगा। कहते हैं कि जाओ वहाँ जहाँ तुम्हारी जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं रहते। तुम्हारे मायने तब होंगे जब तुम ज़्यादा चमकदार रहोगे, यानी कि ज़्यादा सफल रहोगे। तो अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े हों। हाथों से किया गया दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली हिलने से नहीं घबराता है, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। यदि आप वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसीलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती।